वैसे तो भारत पाकिस्तान के बीच आपने देखे होंगे कई युद्ध हुए हैं, जिसमें आप लोग देख लीजिए, जब हमारी आज़ादी होती है 1947-48 में एक युद्ध होता है जिसे आप लोग कश्मीर का युद्ध कह देते हैं, या भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध के नाम से आप लोग जान लेते हैं। आपने देखा होगा दूसरा 1965 में होता है ऑपरेशन जिब्राल्टर के साथ, एक आपने 1971 देखा होगा, और आज हम लोग 1971 के युद्ध के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और आपको बता दूं कि आज इसलिए भी ये चर्चा में है क्योंकि 50 साल पूरे हो चुके हैं 1971 के युद्ध को, और 16 दिसंबर आज की ही डेट थी जिस दिन पाकिस्तान ने सरेंडर किया था 1971 में। और आपने देखा होगा कि बांग्लादेश एक नया देश उभर के आया हुआ था। एक आपने 1999 का युद्ध भी सुना होगा जिसे आप लोग कारगिल युद्ध के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले आप लोग भारत पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए मैप में। देखिए हमारा प्यारा पृथ्वी हमारी प्यारी, और इसमें देखेंगे हमारा प्यारा एशिया, एशिया में आप देखें हमारा प्यारा भारत, और अपना पड़ोसियों में आप बात करें तो श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, नेपाल, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। देखिए आपको बता दूं कि 1947 में जब हमें आज़ादी मिलती है तो एक तो आप देखेंगे पाकिस्तान का ये हिस्सा था, पाकिस्तान के भी पास एक आपका बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आप देखेंगे कि 1947 के आगे चल के 1971 में क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध होता है। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और आप कहते हैं कि महिलाएं कमजोर होती हैं, लेकिन इस युद्ध में आप देखेंगे पाकिस्तान को किससे, इंदिरा गांधी से टक्कर लेना महंगा पड़ा, और उन्होंने, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान को बुरी तरह से हार मिली। और अभी तक जितनी बार पाकिस्तान ने इस तरह का युद्ध छेड़ा है पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन वो कहते हैं कि सुधरने, जो बेशरम होते हैं वो सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से अगर लगे राज्यों की बात करें तो यहां आप लोग देखिए क्लियर, गुजरात भी लगा हुआ है, राजस्थान की सीमा भी लगती है, पंजाब की भी लगती है, जम्मू कश्मीर की भी लगती है, और याद रखिए लद्दाख की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है। और अगर इसकी बात करें बांग्लादेश की तो देखिए पश्चिम बंगाल की सीमा भी बांग्लादेश से लगती है, असम की, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा को तो आप देखेंगे तीनों तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है, अगरतला इसकी क्या है, त्रिपुरा की राजधानी है, और ये पाकिस्तान आप जो देख ही रहे हैं। तो आज हम लोग इस पर क्या करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। तो आपको बता दूं एक तरह से राजनीतिक असंतुलन, अगर इसकी पृष्ठभूमि बनती कहां से, 1971 की युद्ध की शुरुआत कहां से होती है, तो आप देखेंगे तो 1950 के दशक में पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। किस पर, इसी की बात कर रहा हूं, देखिए इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, इस पर किसका दबदबा था, पाकिस्तान का ही एक तरह से कब्जा था इस पर, और पाकिस्तान पर सैन्य नौकरशाही का राज था जो पूरे देश यानी कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान पर बेहद अलोकतांत्रिक ढंग से शासन कर रहे थे। लोगों के मानव अधिकारों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। आप सभी लोगों को ने ये भी सुना होगा कि जब 1947 में बंटवारा होता है तो उस समय बड़ी संख्या में हिंदू हों, सिख हों, या फिर आप देखिए इस तरह के जो भी अन्य धर्म के लोग थे वो पाकिस्तान में गए। लेकिन आज अगर हम लोग इनकी संख्या देखेंगे तो ना के बराबर देखने को मिलेगी, या तो इन्हें मार दिया गया या इनका धर्म बदलवा दिया गया। हमारे देश में ऐसा नहीं है, आप देख लेते हैं शासन की इस प्रणाली में बंगाल वासियों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था, किंतु वर्ष 1970 के आम चुनाव के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान के इस प्रभुत्व को चुनौती दी गई थी, और आवामी लीग जो थी वर्ष 1970 के आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आपका कहने का मतलब है जिसे आप लोग बांग्लादेश कहते हैं उसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है जो प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्याप्त था। लेकिन जो आप देखेंगे पश्चिमी पाकिस्तान था इसे ये स्वीकार नहीं थे, और हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के किसी नेता को देश पर शासन करने देने के लिए तैयार नहीं था। यहीं से आप देखेंगे कि इस युद्ध की रणनीति या पृष्ठभूमि बननी शुरू होती है, और तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि जिसे आप लोग वर्तमान में पाकिस्तान कहते हैं, यहाँ खान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान बांग्लादेश के लोगों का सांस्कृतिक रूप से दमन करने की कोशिश की गई। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर भाषा, पहनावा, उड़ावा इत्यादि को लेकर तानाशाही रवैया अपनाना शुरू किया, और याद रहे कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से काट कर बनाया गया था। जो बांग्लादेश है ना आप लोग, ये हमारे एक तरह से आप कहिए पश्चिम बंगाल या बंगाल से काट कर बनाया गया था।
1947 के पहले तक सभी भारत का हिस्सा थे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ की भाषा मुख्यतः बंगाली थी, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा मुख्यतः उर्दू बोली जाती है। जो वर्तमान पाकिस्तान आप देखते हैं ना, इसकी भाषा उर्दू थी। और भाषा और सांस्कृतिक मतभेद के कारण पूर्वी पाकिस्तान की जनता स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। और राजनीतिक वार्ता विफल होने के बाद जनरल या खान के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। यानी कि आज के जो बांग्लादेश है, इसके खिलाफ क्या किया, युद्ध छेड़ने का एक तरह से कोशिश की। और देखिए, भारत का पड़ोसी है तो भारत को तो कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, तो भारत ने वही किया। ऑपरेशन सर्चलाइट, 26 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान ने, यानी कि आज के जो पाकिस्तान ने, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया। और इसके परिणाम स्वरूप लाखों बांग्लादेशी भारत भाग कर आए, क्योंकि आप देखिए किसी देश में, अगर हमारे पड़ोसी देश में आप देखिए उठापटक होती है, राजनीतिक उठापटक, या लोगों को परेशान किया जाता है, तो वो भागकर हमारे ही भारत में आते हैं। आपने देखा होगा अभी म्यांमार की घटना, आप लोगों ने देखी होगी, हमारे ही भारत में वहां से भागकर आ रहे थे। तो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों में, क्योंकि वे राज्य बांग्लादेश के सबसे करीबी माने जाते हैं, तो यहाँ काफी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ। और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल पर शरणार्थियों का बोझ बढ़ने लगा। और राज्य के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने से भोजन और आश्रय के लिए सहायता की अपील की। अब आप देखिए हमारे यहाँ लोग आते हैं और भूख, और आप देखिए अगर शरण के लिए कुछ मांगते हैं, तो हमारे सामान्यतः यही रहा है कि हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री रहे उन्होंने मदद की है, क्योंकि हम देखिए हमारा देश एक शांति प्रिय देश रहा है। और हमारे देश ने लड़ने की, लड़ाई की कोई बात नहीं किया, पहले से हम लोगों ने किसी को परेशान भी नहीं किया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो इंडो बंगला सहयोग, अगर इसकी बात की जाए तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली मुक्ति वाहिनी सेना और भारतीय सैनिकों की बहादुरी से पाकिस्तान सेना को मोह की खानी पड़ी। और याद रहे, मुक्ति वाहिनी सेना में बांग्लादेश के सैनिक, अर्ध सैनिक और नागरिक भी शामिल थे, और ये मुख्यतः गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे। और एक बात और बता दूं, ऐसा भी माना जाता है कि जो मुक्ति वाहिनी सेना थी, इसकी मदद भारत ने की थी, और इसके जो सैनिक थे, इन्हें प्रशिक्षण की बात हो, सैन्य जो भी प्रशिक्षण था वो भारत की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा था। और आप देखेंगे 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सेना बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब है कि अपने हथियार डाल दिए, अपनी हार मान ली। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक, यानी कि 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और बांग्लादेश की जो मुक्ति सेना थी, इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि अपने आप को समर्पण कर दिया। और भारत के हस्तक्षेप से मात्र 13 दिनों के इस छोटे से युद्ध से एक नए राष्ट्र का जन्म होता है, और जिसे आज का आप लोग बांग्लादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? बांग्लादेश कहते हैं, इसी की बात कर रहा हूं मैं। अब बात करें इसकी, अगर हम लोग कुछ परोपकार या व्यवहारिक राजनीति की बात करें बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध के 1971 के, तो एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध का खतरा भारत के लिए हमेशा बना रहता था। एक तरफ आप देख लीजिए, यहाँ भी तो आप देख रहे हैं, एक तरफ बांग्लादेश जिसे आप देखिए पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, एक तरफ पाकिस्तान जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। अब आप देखिए, दोनों अगर हमारे दुश्मन होते तो हमें एक तरह से डर तो सताता रहता। आज आप देखते हैं कि एक तरह से जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले हिस्से में हम कहते हैं कि हम लोग दो तरफ से घिरे हुए हैं, एक पाकिस्तान हमारे ऊपर वार कर रहा है और चाइना भी आप देखिए किस तरह के काम कर रहा है। तो उसी तरह का डर उस समय किसका था? दोनों इस पड़ोसियों का, और एक तरह से दोनों तरफ से। और भविष्य में कभी भी पाकिस्तान से युद्ध होने पर भारत को दोनों मोर्चों से युद्ध का खतरा था, और पूर्वी पाकिस्तान के विद्रोह से भारत को इस खतरे को समाप्त करने का बहाना मिल गया, और भारत चाहता भी था असल में ऐसा। हालांकि वर्ष 1965 में पूर्वी मोर्चा काफी हद तक निष्क्रिय रहा, लेकिन इसने पर्याप्त सैन्य संसाधनों को अपने पास रोक लिया था, जो पश्चिमी मोर्चे पर अधिक प्रभावशाली हो सकता था। प्रो इंडियन आवामी लीग को अलग थलग होने से रोकना, भारत के अनुसार अगर पाकिस्तान की गृह युद्ध में वो आवामी लीग की सहायता नहीं करता, तो इस आंदोलन का नेतृत्व वाम एवं चीन समर्थक पार्टियां जैसे राष्ट्रीय आवामी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में जा सकता था। अब आप देखिए, आपके पड़ोसी में अगर इस तरह की घटना घट रही है और आप अगर उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो कोई और आके उसका फायदा उठा लेगा। आंतरिक सुरक्षा पर खतरा, तो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रतिरोध का मुख्य तरीका माओवादी विचारधारा से प्रेरित गुरिल्ला युद्ध था। यदि भारत बांग्लादेश
मुक्ति युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करता तो यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के हितों के लिए हानिकारक हो सकता था। विशेष तौर पर आप सभी जानते हैं कि नक्सलवाद नक्सली आंदोलन के संदर्भ में जो तब पूर्वी भारत में अपने उग रूप में था, तो अगर हम लोग इस युद्ध में हस्तक्षेप ना करते, हम लोग इसमें एक तरह से आप देखिए ना लड़ाई लड़ते, तो हमारे लिए भी खतरा था, आंतरिक सुरक्षा को लेकर खतरा था, क्योंकि जो अभी नक्सलवादी संगठन आप देखते हैं इनकी मदद कर सकता था पाकिस्तान। अभी भी आप सुनने को मिलता रहता है कि इनकी मदद पाकिस्तान के द्वारा किया जाती है, चाइना के द्वारा की जा सकती है। एक संप्रदायिकता का खतरा भी था। जुलाई अगस्त 1971 तक 90% मुस्लिम शरणार्थी पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में केंद्रित थे, और यदि भारत उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्दी कोई कदम नहीं उठाता तो राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष का खतरा उत्पन्न होने की संभावना भी थी। यानी कि हिंदू मुस्लिमों में एक तरह से सांप्रदायिकता की होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही थी, इसलिए भारत को इसमें हस्तक्षेप करना जरूरी रहा। और गुटनिरपेक्षता पर प्रभाव, कूटनीति के स्तर पर भारत ने अकेले यह कार्य नहीं किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया के नेताओं को इस कार्य के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया और पूर्वी पाकिस्तान के उत्पीड़ित लोगों के लिए समर्थन का आधार बनाने में मदद भी की हुई थी। और इसीलिए कहते हैं कि देखिए कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो कभी कमजोर नहीं रहा है। अगस्त 1971 में भारत सोवियत संघ का संधि पर हस्ताक्षर करना भारत के लिए एक शूट इन द आर्म के रूप में काम किया, और इस जीत ने विदेशी राजनीति में भारत की व्यापक भूमिका को परिभाषित किया। और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने यह महसूस किया कि दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन भारी भारत की तरफ झुक गया है, और ऐसा भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका खड़ा हुआ था उस समय। आज आप देखते हैं ना कि हमारे अमेरिका से अच्छे एक दोस्ताना संबंध बन रहे हैं। उस समय पाकिस्तान का अच्छा खासा दोस्त हुआ करता था अमेरिका, और हमारी हमारा दोस्त हुआ करता था रसिया, सोवियत संघ, जिसे आप लोग रूस कहते हैं आज। और एक बात और बता दूं, देखिए अमेरिका एक तरह से मतलबी दोस्त है। आज भारत के साथ आप देखते हैं कि अच्छी दोस्ती कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो भारत को उसमें साथ लेना होगा। ठीक है, तो ये कहानी है इस बांग्लादेश और भारत के, बांग्लादेश के नए देश बनने की और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की। और इसके बारे में एक पॉइंट याद रखा करिएगा, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना भी रहती है। चलिए एंजॉय करिए, और भी कोई टॉपिक हुआ करे तो बता दिया करिएगा, हम लोग बात करते रहा करेंगे ऐसे टॉपिकों पर।